तो अगर आप एक वाइनल डीजे बनने का सोच रहे हैं, स्क्रैच डीजे बनने का सोच रहे हैं और साथ ही साथ में आपको एक कंट्रोलर की भी जरूरत है, सो ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम टू द स्पिनिंग वाइव्स चैनल। मेरा नाम है डीवीजे माइल्स इंडिया, जहां पे हम टेक से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, डीजे से रिलेटेड और अनबॉक्सिंग वीडियो करते हैं। सो लेट्स जंप इनटू इट। सो रेन ने फाइनली एक अपना कंट्रोलर निकाला है जिसका नाम है रेन वन। इसके अंदर आपको एक 7.2 इंच का मोटोराइज्ड प्लेटर देखने को मिल जाएगा, जो कि एकदम टर्नटेबल की तरह है और टर्नटेबल की तरह ही काम करता है, इसकी ग्रिपिंग वगैरह, इसकी सब चीज़। सो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। सो सबसे पहले हम अनबॉक्स की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि इसके अंदर बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर हमें इस तरीके से कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें तीन बॉक्स ऐसे इस तरीके से देखने को मिल गए। उसके बाद हम इसको अनपैक करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से मिलता है। सो आपका जो प्लेटर होता है वो अभी खुला हुआ है, उसके बाद आपको इसको खुद ही आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस तरीके से दो प्लेटर प्लस स्लिप पैड्स प्लस आपको क्लिपिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। इस तरीके से आप प्लेटर इसको लगा सकते हैं और इस तरीके से इसमें दो ऐसे करके एक क्लिप्स टाइप के छेद बने रहेंगे। सो आपको उस होल के अंदर वो चीज़ डाल देना है, जैसे मतलब ताकि वो मतलब उसमें फिक्स हो जाए, ताकि आपका मोटर वगैरह घूमे और बहुत इजी है। इसके बाद आपको इसके अंदर स्लिप मैट डाल देना है, दूसरे वाले को भी इसी तरीके से डाल सकते हो। और देन उसके बाद आप इसके ऊपर एक वाइनल की तरह एक आपको डिस्क टाइप का देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर क्लिक का बटन होगा। मतलब उसकी मदद से प्लेटर के ऊपर आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, उसको लगा सकते हो, ताकि आपका वो स्क्रैचिंग की तरह काम करे। और बेस्ट थिंग इज दैट कि ये कंट्रोलर रोटेट करता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से रोटेट करता है। और जब भी आप प्ले कर रहे होंगे अपना ट्रैक्स वगैरह, तो ये गोल गोल घूमता रहेगा, ताकि स्क्रैचिंग में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्क्रैचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ में आपको इसके साथ कंट्रोलर मोड भी देखने को मिल जाएगा। कंट्रोलर मोड में अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मोटराइज्ड नहीं चाहिए कि आपका डिस्क घूमता रहे, वो नहीं चाहिए, तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको इसके साथ कुछ केबल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, और केबल आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपको यूएसबी केबल, एक ऑयल मतलब फीडर ऑयल वगैरह मिल जाएगा देखने को, और कुछ यूजर मैनुअल, कुछ ब्रोशर्स। और साथ ही साथ में सेरेटो ने ये कर दिया है कि आप कोई भी अपना सेरेटो सिस्टम वाला जो कंट्रोलर होता है, अगर वो लगाते हैं तो सेरेटो अनलॉक हो जाता है। तो सो बेस्ट थिंग इज दैट कि आपको जब भी ये यूजर मैनुअल या जब भी कुछ मिले तो आप उसको रीड जरूर करें। अब बात करते हैं इसके प्लेटर के डिज़ाइन के बारे में। सो प्लेटर का डिज़ाइन एकदम सॉलिड है, एल्युमिनियम प्लेटर है। आपको 7.2 इंच का प्लेटर देखने को मिल जाएगा इसके साथ ही, और साथ में आपको वाइनल की तरह जो साइड में इसकी डिज़ाइन बनी होती है, वो वाइनल की तरह आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको ये फील नहीं होगा कि ये वाइनल वाला हिसाब किताब नहीं है। हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन आपको अगर स्क्रैच डीजे बनना है या फिर आपके पास कंट्रोलर भी होना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत सही है। और भी सारे बहुत सारे फीचर्स के बारे में हम इसके साथ बात करेंगे, सो वीडियो में बने रहे। अब बात करते हैं इसके मोटर टॉक के बारे में। सो किसी को हाई मोटर टॉक चाहिए होता है और किसी को लो मोटर टॉक चाहिए होता है। मतलब स्क्रैचिंग का इफेक्ट किस तरीके से आपको चाहिए, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप इस कंट्रोलर के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपके लिए सुटेबल है। इसके बाद आपको दो इस तरीके से 12 o'clock का एक मार्क देखने को मिल जाएगा, और एक जहाँ पे दूसरा मार्क देखने को मिलता है वो है आपका नीडल, जैसे स्क्रैच वगैरह जो भी और वाइनल वगैरह डीजेस के जितने भी वाइनल की नीडल्स वगैरह जहां से आती है, वो वाला मार्क वहां से देखने को मिल जाएगा। सो डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सा वाला मार्क में ज्यादा वो करना है। साथ ही साथ में आपको प्लेटर मतलब जो भी डिस्क प्लेट है, इसके ऊपर सेरेटो का एक लोगो बना हुआ दिख जाएगा, और साथ में एक मार्क दिख जाएगा व्हाइट कलर का सेरेटो के साथ में, जिससे आप उस मार्क के मदद से स्क्रैचिंग वगैरह कर सकते हो। और किस तरीके से कर सकते हो, सो इस तरीके से आप मार्क वगैरह के साथ स्क्रैच वगैरह कर सकते हो, आप देख सकते हो। सो नेविगेशन में सबसे पहले ही, जैसे आपका हर कंट्रोलर में होता है, ब्राउज का और नॉब आपको मिलता है, जिस तरीके से पाइनियर में होता है और जिस तरीके से और कंट्रोलर में होता है, चाहे वो ट्रैक्टर का हो, उस तरीके से आपको ब्राउज का एक बटन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में आपको नीचे एक बटन देखने को मिल जाता है, जिससे आप बैक कर सकते हो या फिर फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो, और इस तरीके से आप गाने को ट्रैक को सेलेक्ट वगैरह कर सकते हो, आप देख सकते हो। इस तरीके से आप अपने प्लेलिस्ट में आ सकते हो, या फिर अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं समझ आता तो दूसरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, और किसी भी तरीके से अगर आपको गाना समझ आ जाता है तो इस तरीके से वापस पुश करके गाने को लोड कर सकते हो। इसके ऊपर आपको सर्च नीडल मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप ट्रैक को फॉरवर्ड या बैकवर्ड वगैरह कर सकते हो। आपको बार बार फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस नीडल्स की मदद से आप एकदम से स्मूथली आगे और पीछे कर सकते हो। और साथ ही साथ में इस तरीके से रेड लाइट के इंडिकेशन होगा।
दूसरे किसी भी टर्न टेबल की तरह इसमें भी स्टार्ट और स्टॉप का बटन बना हुआ है, विच इज नाइस, जो कि हर एक टर्न टेबलिस्ट को चाहिए होता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ में अगर आप इसको स्टैंडर्ड कंट्रोलर की तरह यूज करना चाहते हो, जैसे कि एक नॉर्मल कंट्रोलर की तरह प्ले करना चाहते हो, स्क्रैच नहीं करना चाहते, सो आपको इसके साथ एक क्यू का बटन भी मिल जाएगा, विच इज नाइस और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो इस तरीके से क्यू वगैरह करके रख सकते हो आप ट्रैक्स को, और जहां से भी आपको प्ले करना है वहां से आप स्टार्ट स्टॉप वगैरह कर सकते हो। और साथ ही साथ में आपको इसके साथ एक स्टॉप और रिलीज का बटन नॉब देखने को मिल जाता है, ये जिसकी मदद से टर्न टेबल का जो स्पीड है वो कितनी देर में स्टार्ट हो, स्टार्ट स्टॉप रिलीज, जैसे आपका पाइनियर वगैरह के अंदर भी होता है, 2000 के अंदर है, 3000 के अंदर है, उसी तरीके से स्टार्ट स्टॉप मतलब गाना कितनी जल्दी स्पीड से एकदम से बंद हो या कितनी देर में बंद हो, वो आप इसकी मदद से देख सकते हो। और आप एक और चीज़ इसके साथ देख सकते हो कि इसके अंदर आपको एक सिंक का बटन भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप गाने को सिंक वगैरह करके प्ले भी कर सकते हो। और साथ ही साथ में आपको एक टेम्पो रेंज का बटन भी देखने को मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा है रेंज, मतलब जो कि आपको काफ़ी और कंट्रोलर के मुकाबले बहुत अच्छा रेंज मिल जाता है मतलब। और इसके बीच में आपको एक क्लिक का साउंड आपको सुनाई देगा, सो इससे पता चल जाएगा कि आपका टेम्पो एकदम रीसेट है। और साथ ही साथ में उसके साथ में एक वाइट कलर का रेड वाइट कलर की लाइट का इंडिकेशन भी आपको मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाए। और साथ ही साथ में आपको एक रेंज का बटन देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप रेंज वगैरह कर सकते हो, 8, 16 या और 50 का रेंज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप शिफ्ट दबा के रेंज का बटन दबाते हैं तो आपका ये मास्टर टेम्पो वाला जो ऑप्शन होता है वो हट जाएगा, मतलब आपका पिच वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज वगैरह हो जाएगा, सो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस पैड के बारे में, कि हमें इसके साथ परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाएगा। सो आपको इस परफॉर्मेंस पैड के अंदर और भी जितने भी कंट्रोलर्स है उसकी तरह परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि DDJ 1000 मतलब आप टच करोगे और रबराइज्ड है तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा, आपको मतलब क्लिकी वाला फील नहीं आएगा, आपको एकदम प्रोफेशनल वाला पैड वाला इफेक्ट के बटन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको सबसे ऊपर जो कुछ फंक्शंस वगैरह बने हुए हैं, आपको इसके अंदर हॉट क्यूज का बटन मिल जाएगा देखने को, आपके इसके अंदर सेव लूप का बटन देखने को मिल जाएगा, रोल का बटन देखने को मिल जाएगा, सैंपलर देखने को मिल जाएगा, स्लाइस देखने को मिल जाएगा। हॉट क्यूज का तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हॉट क्यूज से हम अपने कोई भी ट्रैक्स वगैरह जहाँ से भी प्ले करना चाहते हैं वो हॉट क्यूज वगैरह करके वहाँ से हम लोग गाने को स्टार्ट कर सकते हैं। सो सेकंड जो बटन आता है वो है सेव लूप का, जिसके मदद से ट्रैक में फॉर एग्जांपल लूप वगैरह बना के रख दिया है, सो आप उसको जैसे ही आप पैड को हिट करेंगे तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा गाना, और अगर आपको उसको एग्जिट करना है तो आप शिफ्ट दबा के उसको बटन को हिट करके वापस एग्जिट भी कर सकते हो। और नेक्स्ट मोड वी हैव रोल बटन, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है सैंपलर, जो कि सरेटो के अंदर जितने भी आप सैंपलर के साथ, चाहे वो हाई हैट हो, चाहे वो किक हो, चाहे वो ड्रम्स हो, या किसी भी तरीके से आप उसको सैंपलर के साथ खेलना चाहते हैं, सो सैंपलर भी डाल के रख सकते हैं, और जो कि सरेटो के अंदर आपको खुद ही आपको उसके अंदर डाल के रखना पड़ेगा। सो उसके बाद आपको स्लाइसर का बटन देखने को मिल जाता है, जो कि अलग एक तरीके से एक इफेक्ट है, जितना आप इसके साथ खेलेंगे उतना आपको समझ आएगा कि किस तरीके से है, जिससे कि और आपके सरेटो के अंदर या फिर और रिकॉर्ड बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, उसी तरीके से स्लाइसर का भी आपको बटन देखने को मिल जाएगा। जो पैरामीटर वाला सैंपलर है, मतलब अगर आपने सेकंड वाला क्लिक करा उसके बाद सैंपलर में क्लिक करा, तो बेस्ट ऑप्शन मेरे को इसका ये लगा कि इस सैंपलर के अंदर आप कोई भी ट्रैक के अंदर से कोई भी लूप वगैरह या फिर कोई भी एक पार्ट क्यू वहां से आप गाना स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 8 सैंपलर इकट्ठे कर दिए, 8 चीजें 8 ट्रैक्स इकट्ठे कर दिए, और उसके बीच में से कुछ पार्ट के अंदर आपको स्क्रैचिंग वाला मिल गया या फिर कुछ भी ऐसा चीज मिल गया जो कि आप इन बिटवीन गाने ट्रैक के बीच में अप्ले करना चाहते हो, तो वो चीज आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि सरेटो के अंदर न्यू ऑप्शन आया है और आप उसके साथ जा सकते हो। जैसे कि आप बैटल डीजेस वगैरह में देखते हो, सो जितने भी बैटल डीजेस वगैरह होते हैं वो इसी तरीके से खेलते हैं, एकदम से कोई भी सैंपलर उठाया, एकदम से कुछ भी ऑलराइट ओके या फिर कुछ भी ऐसा समथिंग लाइक दैट उठाया, उसके बाद वहां से वो लोग स्क्रैच करना उसी वर्ड में स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ में आपको लूप ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा, प्लस लूप को प्लस करना है मतलब इनटू टू करना है या फिर माइनस करना है मतलब हाफ ऑफ द लूप करना है, तो किस तरीके से आप कर सकते हो वो चीज इसके अंदर है। अगर आपको सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं करना तो आप लूप को शिफ्ट भी कर सकते हो, मतलब फॉर एग्जांपल आपको कितना लूप का चाहिए, 4 लूप चाहिए, 2 लूप चाहिए, तो आप शिफ्ट दबा के
इसको प्लस या माइनस कर सकते हो आप। और अगली चीज जो आती है वो है इसका स्लिप मोड का ऑप्शन। जैसे कि आप कुछ भी अगर गाना स्लिप मोड में ऑन करके, जैसे और कंट्रोलर में होता है कि स्लिप मोड ऑन करके अगर आप गाना के साथ या स्क्रैच के साथ कुछ भी करते हैं तो गाना आपका चलता रहेगा बैकग्राउंड में। जैसे ही आपने आपके जॉक के ऊपर से हाथ हटा दिया या फिर वाइनल के ऊपर से हाथ हटा दिया तो गाना वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से उसको चलना चाहिए, मतलब गाना पीछे से चले जा रहा है और साथ ही साथ में आप ऊपर से स्क्रैचिंग वगैरह कर सकते हो। ये उनके लिए बहुत काम आ सकता है, जैसे कि इंडियन डीजेस में जैसे बहुत सारे वोकल वगैरह आते हैं या फिर वॉइस टैग आते हैं और आपको नहीं चाहिए वो वॉइस टैग, तो आप कुछ भी उसके साथ इफेक्ट वगैरह खेल के जब आपका वो बीट से स्टार्ट हो जाए गाना आप वहाँ से गाना छोड़ सकते हैं। और इसके नीचे आपको एक सेंसर का बटन देखने को मिल जाता है जो कि एक टेम्परेरी रिवर्स का बटन होता है। जब तक के लिए आप उसको पुश करेंगे तब तक के लिए वो काम करेगा। अगली चीज जो निकल के आती है वो इसकी बेस्ट चीज है, वो है इसका अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्रैचिंग नहीं करना और एक क्लब सीडीजे की तरह प्ले करना है, सो आप शिफ्ट दबा के अगर स्लिप का बटन दबाते हैं सो ये आपका मोटर रुक जाएगा, मतलब आपका डिस्क वगैरह घूमना बंद कर देगा और नॉर्मल सीडीजे की तरह आप उस गाने को मिक्स, मतलब टेम्पो आगे पीछे या डिस्क की तरह घुमाना, मतलब जैसे आप मिक्स करने के लिए जॉक को घुमाते हो उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब गाना आपका चलता रहेगा लेकिन आपका वो जो मोटर है वो बंद हो जाएगा। सो बेस्ट थिंग इज दैट कि आपको सीडीजे वाला भी इफेक्ट आएगा और स्क्रैच वाला भी इफेक्ट आएगा। सो बेस्ट कंट्रोलर मेरे को लगा अभी तक का रेन की तरफ से ये कंट्रोलर निकाला है जो कि सेरेटो डीजे सॉफ्टवेयर के अंदर कंपैटिबल है ओनली। मुझे लगता है कि आपको इसके साथ जाना चाहिए क्योंकि मेन तो हाईलाइट इसी मोटर का है कि ये मोटर को देखने के लिए ही लोग देखेंगे कि आपने क्या लगा रखा है जो घूमे जा रहा है, मतलब बाकी आपके ऊपर है। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे आपको बूथ आउट का आउटपुट मिल जाता है जो कि राइट लेफ्ट मतलब XLR का आउटपुट आपको मिल जाता है, मेन आउटपुट भी आपको XLR का मिल जाता है, साथ ही साथ में आपको मास्टर के लिए RC का भी आउटपुट मिल जाता है। साथ ही साथ में आप देख सकते हो कि आपको इसके अंदर डेक 1 और डेक 2 का मतलब इस तरीके से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप कोई भी एडिशनल ही CDJ प्लेयर या फिर कोई भी टर्नटेबल एडिशनली लगा सकते हो। मतलब अगर आपका आपको मन है कि बड़ा टर्नटेबल आपको इसके साथ कनेक्ट करना है तो आप इसके साथ लगा सकते हो, आपको इसके अंदर लाइन और फोनो का दोनों आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है कि लाइन हम CDJs के लिए यूज़ करते हैं और फोनो हम टर्नटेबल्स के लिए यूज़ करते हैं, सो इस तरीके से आपको इनपुट का भी स्लॉट देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको एडिशनली अगर किसी ने बोला कि मेरे को पायनियर का प्लेयर लगा के प्ले करना है तो वो भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। और इसके साथ आपको एक ऑक्स का इनपुट देखने को मिल जाता है विच कैन बी कंट्रोल्ड, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एकदम फ्रंट में आपको इस तरीके से और नॉब्स मिल जाएंगे, इस तरीके से बटन मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप वॉल्यूम इन आउट कितना चाहिए आपको वो मिल सकता है। बाकी तो ऑक्स के साथ आपको क्या करना है वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। और इसके पीछे आपको दो USB पोर्ट के स्लॉट देखने को मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप दो लैपटॉप या दो कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो जिससे आप बैक टू बैक सेट्स वगैरह प्ले कर सकते हो। आगे इस तरीके से आपको डेक कंट्रोल और क्रॉस फेडर कंट्रोल देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप उसको स्लो एंड फास्ट वगैरह कर सकते हो। डेक के रिवर्स वगैरह बटन आपको देखने को इसमें मिल जाता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल कि डेक 1 रिवर्स, इसका मतलब इसको कितना फेडर का मतलब आपको वॉल्यूम चाहिए, मतलब स्लो और फास्ट करने से फेडर में कितने लेवल पे आपका वॉल्यूम आना चाहिए। मैं क्रॉसओवर की बात नहीं कर रहा, मैं फेडर्स की बात कर रहा हूँ, क्रॉस फेडर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फेडर की बात कर रहा हूँ कि आपको कितने लेवल पे वॉल्यूम चाहिए इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो स्लो और फास्ट में। और साथ में आपको डेक 1 रिवर्स और डेक 2 रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से आपको फेडर्स को, मतलब अगर आपको फेडर ऊपर रख के वॉल्यूम चाहिए या फिर फेडर नीचे रख के वॉल्यूम चाहिए, ये उनके लिए काम आता है जो बैटल डीजेस होते हैं या फिर बैटल वगैरह करते हैं, जो स्क्रैच डीजेस होते हैं उनके लिए बहुत काम आता है। सो ये ऑप्शन भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको इसके फ्रंट में कुछ इस तरीके से पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप हेडफोन के दो पोर्ट, जैसे कि आजकल हर अच्छे कंट्रोलर के साथ आ रहे हैं दो पोर्ट, एक जो नॉर्मल एक विदाउट कनेक्टर के साथ और विद कनेक्टर के साथ, आप दोनों के साथ हेडफोन को सुन सकते हैं। उसी के तरीके से आपको क्यू मिक्स का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ में आपको क्यू लेवल का वॉल्यूम मिल जाता है, मतलब आप हेडफोन का वॉल्यूम कितना रखना चाहते हैं उस तरीके से मिल जाता है। और साथ ही साथ में आपको स्प्लिट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप हेडफोन को स्प्लिट करना चाहते हो कि नहीं, मतलब एक साइड में आपको मास्टर आउटपुट आ रहा है जो कि गाना चल रहा है ऑलरेडी और एक साइड में कौन सा प्ले करोगे नेक्स्ट वो आप सुन सकते हो, इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो इसको। साथ ही साथ में आपको फ्रंट में इस तरीके से माइक इनपुट का भी देखने को मिल जाता है और माइक के साथ आपको लेवल देखने को मिल जाएगा, लो लेवल मिल जाएगा और हाईज का मिल जाएगा और ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में जो मैं ऑक्स की बात कर रहा था, आपको इस तरीके से ऑक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आप ऑक्स के वॉल्यूम को लेवल को डिसाइड कर सकते हो या फिर आप माइक के लेवल को डिसाइड कर सकते हो।
आपको इसके सामने कुछ इस तरीके से नॉब्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हर कंट्रोलर हर प्लेयर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आपको डेक वन और डेक टू का इस तरीके से गेन का मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको हाईज, मिड, लो, ऊपर कुछ इस तरीके से डेक ए और डेक बी का यूएसबी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ में बीच वाला जो नॉब है वो लाइन के लिए है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एडिशनली, जैसे कि मैंने बताया था, एडिशनल कोई भी प्लेयर वगैरह कनेक्ट करना है तो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको फिर वो मिडल में रखना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको यूएसबी वी में करते हो तो वी वाला यूएसबी एक्टिवेट हो जाएगा डेक के लिए। जो मास्टर आउटपुट है वो भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको बूथ के लिए अलग से आउटपुट देखने को मिल जाएगा, विच इज अ गुड थिंग। साथ ही साथ में आपको इस तरीके से कुछ इफेक्ट्स वगैरह बटन देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने इफेक्ट्स को सेट करके रख सकते हो। ये इफेक्ट्स कंट्रोलर के इफेक्ट्स नहीं है, ये सेरेटो के इफेक्ट्स है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। आपको इसके साथ एडिशनली वाले जो कंट्रोलर वाले इफेक्ट्स होते हैं वो देखने को नहीं मिलते। इस तरीके से 6 इफेक्ट आप एक साथ डिजाइन करके रख सकते हो। और आपको इसके नीचे ये जो पैडल इफेक्ट्स है, जैसे कि सारे बैटल डीजेस वगैरह यूज करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इस ट्रिगर को नीचे की तरफ पुश करते हैं, जैसे ही टेंपरेरी पुश करके रखेंगे वो इफेक्ट चलेगा, और आप जैसे ही इसको छोड़ देंगे वो वापस से वो मिडल में सेंटर में आ जाएगा। और या फिर आप अगर इसको ऊपर करके रख देंगे तो ये कंटिन्यूसली आपका इफेक्ट देता रहेगा, मतलब डिपेंड करते हैं, बैटल डीजेस के लिए बहुत काम आता है, या फिर जिसको भी इसके साथ खेलना है वो भी खेल सकता है इफेक्ट्स वगैरह के साथ। साथ ही साथ में आपको ऊपर इसके अंदर डेप्थ का ऑप्शन मिलता है, कि मतलब आपको डेप्थ का इफेक्ट्स वगैरह कितना चाहिए आपको इसके साथ मिल जाएगा, मतलब ये एक नॉब ही आपके सारे इफेक्ट्स को कंट्रोल करेगा कि आपको इफेक्ट के अंदर कितना इफेक्ट्स आपको चाहिए। साथ ही साथ में आपको इसके साथ एक बीट फ्रैक्शन का देखने को मिल जाएगा, मतलब कि आप देख सकते हो कि आपको कितना हाफ चाहिए या फिर वन चाहिए या फिर मतलब कितने इफेक्ट्स आपको चाहिए उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। हम इसके साथ दो इफेक्ट या फिर तीन इफेक्ट साथ में एक साथ कर सकते हैं, मतलब आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा पहले बटन को और देन उसके बाद सेकेंड बटन को भी और थर्ड बटन को भी। इस तरीके से हम इफेक्ट्स को एक साथ तीनों इफेक्ट्स भी लगा के इसको प्ले कर सकते हैं, मतलब साथ ही साथ आपको तीनों के तीनों इफेक्ट कंटिन्यूअसली सुनाई दे सकता है इसके साथ। ऑब्वियसली इसके साथ आपको तीन ही इफेक्ट एट द टाइम पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर ही तीन बने हुए डिजाइन, इस वजह से तीन इफेक्ट एक डेक के अंदर देखने को मिल जाएगा, बाकी के तीन आपको दूसरे डेक में देखने को मिल जाएगा। मतलब आप स्विच भी कर सकते हो कि कौन से तीन इफेक्ट आपको इसके साथ चाहिए, कौन से तीन इफेक्ट उसके साथ चाहिए। अब बात करते हैं इसके फेडर्स के बारे में। ये और फेडर्स की तरह ही है, जैसे कि आपको नेक्सस वगैरह या फिर जो भी फेडर्स वगैरह आपको कंट्रोलर के अंदर देखने को मिलता है, उसी तरीके से आपको इसके अंदर फेडर देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेडर का वॉल्यूम किस तरीके से चाहिए, आपको कितने लेवल पे वॉल्यूम चाहिए, कि कहां से वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाए, तो वो आप नीचे के इस नॉब की मदद से आप उसको सेट कर सकते हो, या फिर आपको फ्रंट में मतलब ऊपर टॉप में करोगे तो आवाज आनी चाहिए, नीचे करोगे तो आवाज आनी चाहिए, जो कि सारे बैटल डीजेस वगैरह इसको यूज करते हैं, इस वजह से इसको डिजाइन किया गया है। ये मतलब एक तरीके से प्रोफेशनली बैटल डीजेस के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि एक पोर्टेबिलिटी के अंदर आपको मिल जाएगा, जो कि इसका साइज आपको डीडीजे 1000 की तरह देखने को मिल जाएगा, जो कि ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है। सो नेक्स्ट, इसके अंदर आपको एक मैक 4 का क्रॉस फिटर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही लाइट है, आपको स्क्रैच करते हुए बड़ा मजा आएगा। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है फिर इसके साथ आपको इस तरीके से आपको स्क्रू का बटन देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप क्रॉस फिटर को कितना टाइट और लूज करना चाहते हैं वो भी चीज आप इसके साथ कर सकते हैं। आपको एक आगे नॉब देखने को मिल जाएगा फ्रंट में, जिसकी मदद से आप इसको कितना स्लो फेड करना चाहते हैं या फास्ट फेड करना चाहते हैं वो भी चीज देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ में आगे जो कंट्रोलर है उसके आगे आपको इसके साथ रिवर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से क्रॉस फेडर को रिवर्स भी करके रख सकते हो, जैसे कि आपको हर कंट्रोलर के साथ ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छे कंट्रोलर में आए उनके साथ आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। सो देयर यू हैव, आपको इसके साथ एक मोटराइज्ड डिस्क देखने को मिल जाएगा, जो कि एक घूमता रहेगा और आपको स्क्रैच करने में काफ़ी मदद करेगा। साथ ही साथ में आपको इसके साथ एक कंट्रोलर के साथ साथ आपको स्क्रैच डीजेस का भी करने में मदद करेगा, जो कि आपको 2-in-1 का एक आपको इफेक्ट दे देगा। साथ ही साथ में आपको अलग से RCA कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ। आपको मतलब मेरे हिसाब से अगर कोई डीजेइंग सीखना चाहता है और स्क्रैच वगैरह में प्रैक्टिस करना चाहता है और अपना फ्यूचर स्क्रैचिंग में करना चाहता है जैसे कि, तो मेरे हिसाब से आपको ये लेना चाहिए, नहीं तो और भी मार्केट में है कंट्रोलर। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास होता तो ऑब्वियसली मैं डीडीजे 1000 छोड़ के ये लेता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कंट्रोलर, क्योंकि ये अभी आया है तो ये मार्केट में, मतलब अभी इंडिया में आने में इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जब भी आएगा मैं लिंक वगैरह में डाल दूंगा, आप नीचे से जाके चेकआउट कर सकते हो इसका प्राइस वगैरह कितना है, कैसा है और कितने का आएगा।
कमिंग टू द प्राइस इसका है $1499 जो कि ऑलमोस्ट लाइक 1,09,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत शिपिंग विपिंग करके स्टार्टिंग में इसका प्राइस इंक्रीज हो सकता है, लेकिन बाद में लेटर ऑन डिपेंड करता है कि कितने का आएगा और कब आएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये कंट्रोलर कैसा लगा और आप जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे, सो प्लीज। और एक और चीज गाइस, आप में से काफी लोग ये वीडियोस वगैरह देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उससे हमारा बहुत मोटिवेट मिलता है और हमें बहुत मदद मिलती है ताकि मैं इस तरीके से वीडियो बनाते रहूं और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं, जैसे कि मुझे जहां से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो प्लीज डोंट डिसलाइक इट, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है बनाने में, वीडियोस वगैरह बनाने में, और इस तरीके से आपको एकदम हिंदी में बताने में भी टाइम लग जाता है, और मतलब एक तरीके से आपको पूरी एकदम एग्जैक्ट नॉलेज देने में टाइम लग जाता है। सो अगर आपको कुछ भी बुरा लगे या फिर कुछ भी नॉलेज ना मिला हो तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू, और मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करूंगा जितना हो सके। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्लीज प्रेस कर देना ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको जरूर मिले और हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे स्पिनिंग वेब चैनल, मेरा नाम है डीवीजे माइल्स इंडिया। सो बाय और जय हिंद।